सवाल है कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन का सवाल है। कहता है ड्रॉ टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब क्या करना है? मतलब ये करना है हमें कि एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसके सेंटर के बारे में हमें पता नहीं है, या फिर है भी पता तो उसको यूज़ नहीं करना है, और किसी आउटसाइड पॉइंट पी से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेट अस सपोज ये कोई टेंजेंट है पी ए और ये कोई टेंजेंट है पी बी। ये हमारा टास्क है, इसे हमें करना है, बट सर्कल के सेंटर का यूज़ नहीं करना। अब कैसे करें इसको, कैसे पॉसिबल होगा ये करना? तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक हम सेकेंड ड्रॉ करेंगे। लेट अस सपोज सेकेंड पी ए बी है, जहाँ ए बी कॉर्ड हो गया इस सर्कल का, और पी ए के लेंथ के इक्वल हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन बढ़ा लेनी है। मीन्स इस बी ए पी लाइन को अब ऐसे आगे बढ़ा लेनी है इस डायरेक्शन में कि वो सी तक पहुंच जाए, इस तरीके से कि सी पी और पी ए इक्वल हो जाएं। फिर क्या करना है कि सी और बी को डायामीटर समझ के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे बाइसेक्ट करना है। किसे बाइसेक्ट करना है? हमें इसे सी बी को बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए हमें आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। सी को सेंटर मान के ऊपर नीचे आर्क लगाना पड़ेगा, और बी को सेंटर मान के ऊपर नीचे आर्क लगाना पड़ेगा, और फिर इसे ज्वाइन करनी होगी। तो जब ज्वाइन करेंगे इस आर्क से, वो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि रफ डायग्राम में बना रहा हूँ, तो वो इस लाइन सी बी को किसी एम पॉइंट पे कट करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इस पर 90 डिग्री भी होगा और एम पॉइंट पे कट भी करेगा। अब हमें क्या करना है, सी एम को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है जो बी पॉइंट पे जाके लाई करेगा, क्योंकि हमें मिड पॉइंट से किया है तो ये आसानी से ये काम हो जाएगा। फिर क्या करना है, हमें इस पी को सेंटर मान के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सी बी पे, जो इस आर्क को डी पॉइंट पे कट करे। और फिर क्या करना है कि पी डी को रेडियस लेके इस सर्कल पे आर्क लगा देना है। लेट अस सपोज यहाँ आर्क एक लगेगा और ऐसे गोल घूम के आएंगे तो एक यहाँ आर्क लगेगा। फिर इसे हमें मिला देना है। जब हम इसे मिलाएंगे इस पी से इस आर्क को, तो ये हमारा बन जाएगा पी ए, और जब हम इस पी से बी को मिलाएंगे तब ये हमारा बन जाएगा पी बी, और हमारा ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हमने सर्कल के सेंटर को यूज ही नहीं किया। सवाल ये उठता है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, जस्टिफाई कैसे करेंगे कि जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है। तब इसको समझने के लिए हमें एक काम करना होगा, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। सर्कल ड्रॉ करके एक सेकेंड ड्रॉ करना होगा। लेट अस सपोज ये पॉइंट पी है, ये ए है, ये बी है, और फिर पी से एक पी टी हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका लेंथ टी है, स्मॉल टी। और ये मान लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर ये ओ है। कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ नहीं करना है, बट हम कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कुछ डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये टी ओ रेडियस है, और रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री होता है। फिर इस ओ से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और हमें पता है किसी भी सर्कल के कॉर्ड के ऊपर अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है परपेंडिकुलरली, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और वो बाइसेक्ट हो जाता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है ओ एम। ये बात समझ आ रही है? और फिर इस ए बी का अगर लेंथ हम वाई मान लें तो फिर ए एम वाई बाई टू हो जाएगा, और ये पी ओ का भी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ट्रायंगल पी टी ओ,
तो इसमें हम कह सकते हैं कि पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी ओ स्क्वायर। तो पी ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन वन हो गया। इसके बाद आप अगर ध्यान से देखें तो जिस तरीके से टी ओ रेडियस है उसी तरीके से ए ओ भी रेडियस होगा, ए ओ। और अगर हम ट्रायंगल, एक डिफरेंट ट्रायंगल की बात करें, लेट अस सपोज हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए ओ एम की, तो ए ओ एम में जो ए ओ होगा वो हाइपोटेनियस होगा, और पाइथागोरस थ्योरम से ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर के बराबर होगा। अब ओ एम को अगर हम एच मान लें तो हम आराम से, और ए ओ आर है चूंकि रेडियस है, तो एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ एम की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं पी ओ एम की, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ हमारा हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेग्स पी एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर। तो पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। पी एम स्क्वायर लेट अस सपोज ये पी से लेके ए तक का डिस्टेंस एक्स है और ए से लेके एम तक का डिस्टेंस वाई बाई टू है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर। एम ओ स्क्वायर हम यहाँ से पता कर सकते हैं, एम ओ स्क्वायर एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे हम, आर स्क्वायर माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई बाई टू प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। तो वाई बाई टू का होल स्क्वायर वाई बाई टू का होल स्क्वायर कैंसिल, ये टू से टू कैंसिल, और पी ओ किसके बराबर है, हम इक्वेशन वन से पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कहीं आर स्क्वायर भी होना चाहिए, यस यहाँ है आर स्क्वायर, तो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो टी किसके बराबर हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई के, और ये टी क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब इस बात को हमें याद रखना होगा, इस बात को हमें याद रखना होगा कि अगर कोई टेंजेंट है जिसका लेंथ टी है और कोई सेकेंट है पी बी, पी ए बी, तो अगर ए बी का लेंथ वाई है और पी ए का लेंथ एक्स है, तो हम इनके बीच टी एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशन होता है, ये हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम अपने कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अब कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही समझ गए हम लोग, तो हम एक फ्रेश बना लेते हैं। हमने बोला था कि ये एक सर्कल है, ये एक सेकेंट है, और ये पी है, ये ए है, और ये बी है। तो ये लेंथ कितना हमने माना है, वाई, ये लेंथ हमने कितना माना है, एक्स। मैंने बोला था आपको इस डायरेक्शन में सी तक लेके जाना है, इस लेंथ को भी एक्स के ही इक्वल होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अबे हमें सी बी को हमें बाइसेक्ट करना है, तो अगर हम सी बी को बाइसेक्ट कर देते हैं तो ये बाइसेक्टर लाइन है, लेट सपोज ये पॉइंट एम है। अगर आप ध्यान से समझें तो ये सी एम रेडियस मान के हमने सेमी सर्कल बनाया था और इस पी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, और वो ये है कि हमें पता है कि सी एम क्या है। वो इसलिए हमें सी एम पता है क्योंकि हमें सी बी पता है। सी बी किसके बराबर है, तो सी बी बराबर है सी ए प्लस ए बी के, और सी ए किसके बराबर है,
तो एक्स और एक्स मीन्स 2x प्लस y, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y। और जो सी एम है वो सी बी का हाफ है, तो सी बी को जब हम हाफ किए थे तो सी एम मिला था, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था, तो सी सी एम किसके बराबर हो जाएगा, 2x प्लस y/2 के। अब हमें किसी भी तरीके से पी एम पता करना है, तो पी एम पता करना बहुत आसान है। पी एम किसके बराबर हो जाएगा, पी एम हो जाएगा सी एम में से हम माइनस कर लेंगे सी पी को, तो सी एम हमें पता है क्या है, सी एम क्या है, सी एम है 2x प्लस y/2, और इसमें से सी पी माइनस करना है मतलब एक्स माइनस करना है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा y/2। मतलब हमें पी एम पता चल गया जो कि y/2 है। अब एक और चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि इस m से अगर हम इस d पॉइंट को मिला दें, तो ये याद रखिए चाहे वो लाइन ये हो, चाहे लाइन सी एम हो, चाहे लाइन पी डी पी एम सॉरी चाहे लाइन सी एम हो, चाहे लाइन डी एम हो, वो इक्वल होंगे, सी एम के ही बराबर डी एम होगा। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं, आर्क है, रेडियस हैं, अगर इस सेमी सर्कल की बात करें तो डी एम क्या हो जाएगा, डी एम भी 2x प्लस y/2 हो जाएगा, तो हमें पी डी पता चल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से पी डी पता चल जाएगा। तो पी डी क्या हो जाएगा, पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एम स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर सॉरी पी एम स्क्वायर। डी एम हमें पता है, डी एम क्या है, डी एम है 2x प्लस y/2 का होल स्क्वायर, और पी एम पता है y/2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पी डी स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम नीचे आ जाएगा 4, है ना, और वो इसलिए 4 आ जाएगा क्योंकि या तो हम इसको पहले सॉल्व कर लें, अगर हम स्टेप मिस कर रहे हैं, अगर चाहें तो आप इसको प्रॉपर कर सकते हैं, और उसके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये कैसे करना है आसानी से हो जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, x प्लस y/2, y/2 का होल स्क्वायर माइनस y/2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये y/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स एंड वाई माइनस x/2 का होल स्क्वायर, तो ये x/2 का होल स्क्वायर से ये x/2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, और पी डी स्क्वायर किसके बराबर आया, एक्स स्क्वायर प्लस xy के, तो पी डी किसके बराबर होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस xy के। आपको याद होगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस xy के बराबर होता है। तो अगर हम इस पी डी के बराबर ही आर्क लेके, अगर इस सर्कल पे हम आर्क ड्रॉ कर दें ऐसे और ऐसे, तो ऑब्वियसली ये जो पी ए होगा और ये जो पी बी होगा इनका लेंथ सेम होगा, और हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो जस्टिफाई हो जाएगा कि क्यों हम इस पी डी को आर्क लेके सर्कल पे मारते हैं, तो वो टेंजेंट ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश की थी और वो रिलेशन ये कहता था कि इस टी और इस पी ए और इस ए बी के बीच में रिलेशन होता है, और वो ये रिलेशन ये है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए नया वीडियो बना दूंगा या फिर आपको अपनी लाइव क्लास में इंक्लूड कर लूँगा। थैंक यू।